स्वर साधने का, गला तैयार करने का एक मंत्र, क्योंकि हर कोई जल्दी में है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि यार ज़्यादा काम करें और अच्छा रिजल्ट मिले। हर कोई ये चाहता है कि कम काम हो और रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। तो आज ऐसा ही एक मंत्र मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जिससे गला तैयार होता है, स्वर सधता है। वो एक मंत्र क्या है, पूरा वीडियो देखिए और जानिए। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। जैसे ही मंत्र शब्द हम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जादू टोना आता है। हमारे दिमाग में ये आता है, अच्छा पूजा पाठ अर्चना की बात की जा रही होगी, क्योंकि हमारे वेदों में मंत्र हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, हम ओमकार मंत्र बोलते हैं। हमारे ये जितने स्वर हैं ये भी मंत्र ही हैं। सारे गम प ध नि सा हो, या आप अगर संगीत प्रभा वर्ल्ड का मॉर्निंग वोकल रियाज करते हैं, तो आप देखते हैं कि मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी ने बीज मंत्र का जिक्र किया हुआ है। बीज मंत्र का रियाज हम लोग कराते हैं सवेरे भैरव में। ये जितनी रागें हैं ये सब भी एक मंत्र हैं। इन सब में गाने वाली जो रचनाएं हैं वो एक मंत्र हैं। यानी आध्यात्मिक कुल मिला के जानने की ये ज़रूरत है कि संगीत में, या ख़ास करके कहूँ तो शास्त्रीय संगीत में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो। दूसरे प्रकार के जो संगीत हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक है, सुगम है, फिल्मी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत की ख़ास करके। और जब आप शास्त्रीय संगीत की साधना कर रहे हैं तो साधना तो मंत्रों से होती है। तो यही वो मंत्र हैं जो हम गाते और बजाते हैं। लोग ये चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत बेस है वो तो ठीक है, लेकिन उसे ज़्यादा डीप में न सीखना पड़े और हमारा काम हो जाए, हम फिल्मी गाने बहुत बेहतर तरीके से गा पाएँ और फेम थोड़ी सी मिल जाए, प्रसिद्धि थोड़ी सी मिल जाए। बिना सिद्धि के, बिना साधना के प्रसिद्धि की चाह, ये हम सब की मान्यता है कि साधना न करनी पड़े, सवेरे 4 बजे न उठना पड़े। दिन में वक्त देना है संगीत को, मगर इतना नहीं देना है, एज अ हॉबी देना है और काम हो जाए, ये हम सब चाहते हैं। मैंने कई बार इसके ऑल्टरनेट में आपको दी भी हैं चीज़ें। एक जगह तो मैंने ही बोला, मेरे गुरुओं की बातों को ही दोहराते हुए, कि हाँ करिए सवेरे 4 बजे रियाज, 3 घंटा रियाज कीजिए, दोपहर में भी 2 घंटा दीजिए, शाम में भी दीजिए, शाम का राग अलग उस समय पर गाइए, दोपहर का रियाज उस राग में कीजिए, इन रागों का रियाज अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रों के साथ कीजिए। और वहीं मैंने ये खुद भी यही कहा कि 5 मिनट रियाज कीजिए, ज़्यादा नहीं। तो आज वैसा ही एक मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे तो इस मंत्र से आप सभी लोग वाकिफ हैं, यह है हमारा ओमकार मंत्र। लेकिन इस ओमकार मंत्र को किस तरह से गाना चाहिए वो ज़्यादा लोग नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो वो थोड़ा सा ढंग उनका उतना एक्यूरेट नहीं है जैसा इसका होना चाहिए। क्योंकि ओम मंत्र हम कहते हैं प्रणव अक्षर है, सबसे पहला अक्षर है। किसी धर्म से रिलेशन नहीं है इसका, किसी रिलीजन से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मानवता का प्रणव अक्षर है ओम। और यही ओम का रियाज आप सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस ओम के रियाज को किस तरह से करना चाहिए, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपना पिच, आप अपना सा डिसाइड करें, भले ही वो आपका पहली काली है, दूसरी काली है, चौथी काली है, अपने स्वर के हिसाब से आप अपना सा लगाइए। जैसे यहाँ मैंने अभी पहली काली लगाया है, पहली काली यानी कि सी शार्प। सी शार्प से अभी मैं आपको ओम लगा के दिखाऊंगा, जैसा कि आप सभी लगाते होंगे। सबसे पहले तो आप इस ध्वनि को मैच करके यहाँ सा लगाते होंगे, सा।
अब स्वर और अक्षर को अलग करते हुए, यानी ये जो ध्वनि है सी शार्प की, या जो भी ध्वनि आप लेंगे, जी शार्प की, पांचवी काली की, चौथी की, पहली सफ़ेद की, जो भी ध्वनि है, उस ध्वनि पर अक्षर बदलना है। जैसे कि इसी ध्वनि पर अभी मैंने सा बोला, इसी ध्वनि पर अभी मैं ओम बोलूँगा। ओम अब सिर्फ ओम बोला जाए तो हम अक्सर गलती ये करते हैं कि आखिर की जो हमिंग है, जो मकार है, उसे हम बहुत कम वक्त देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको ये मालूम चला, ओम की आकृति अगर आप लिखते हैं, उसका जो चिन्ह है, उसमें एक चंद्र बिंदु लगता है, ऊपर चंद्र और फिर एक बिंदु लगता है, यानी नासिका में आवाज़ जाती है। तो अगर आप ध्यान से मेरी ओम की ध्वनि को सुनेंगे तो ओ नासिका में ओ का साउंड जाता है और फिर मकार आता है। कैसे? ओ ओम ओम ओम। ऐसा नहीं कि वो ओम ओम, अगर सिर्फ आप उसे ओम बोल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू डू, इट इज़ हाउ यू डू इट। ओम का रियाज तो हम सभी करते हैं, लेकिन गलत ढंग से करेंगे तो उसका असर उतना होता नहीं है। तो हमें क्या करना है? ओम, यानी ओम। नासिका में जो ध्वनि जा रही है वो ओ की ध्वनि में ही जा रही है। पूरे ओम को सिर्फ ओम नहीं बोलना है, ओम इस तरह से। अब इसको मैं स्वर में बोल के दिखाऊं तो नोट कीजिएगा। और आखिर में मकार भी मैंने पूरा बोला। इस तरह से इसे बोलना है। अब जैसा कि आपने देखा कि ओम, ये तीन साउंड तो आपको इस ओम में मिल ही गए हैं, तो वेदों के अनुसार इसका वर्ण विच्छेद भी किया जाता है। वर्ण विच्छेद यानी जैसा कि हिंदी में या संस्कृत में संधि होती है, संधि यानी जोड़ना, विच्छेद यानी तोड़ना। तो ओम, आपने देखा ओम को तोड़ा तो तीन तो ऐसे ही निकल आए। अब ये जो ओ बोला जा रहा है, ओ संस्कृत के अनुसार इसका जो वर्ण विच्छेद बनता है वो है अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। तो वेदों में जब ओम का जिक्र हुआ है तो अ उ ओ औ ये पांच अक्षर निकल के आते हैं। ये पंच अक्षरीय मंत्र है, ओम एक मंत्र है। तो इसकी साधना में, मंत्र साधना के वक्त जो जो चीज़ें ख्याल रखनी होती हैं वही चीज़ें रखनी हैं यहाँ पर भी। तो ओम को बोलने में क्या क्या अक्षर आ गए? अ उ ओ औ है वो, म नहीं है, म आधा है, हलंत लगा है तो अब उसमें हल्का सा ह अगर आप मिला देते हैं तो वो हमिंग आपकी प्रॉपर थोड़ी वजनदार हो जाती है। तो अब इसको किस तरह से बोलना है, उच्चारण आप उसका खास करके नोट करेंगे। यही हम भूल करते हैं
कि कोई भी ट्यूटोरियल आता है या कोई भी वीडियो हमने देखा, किसी ने भी बात बताई कि इस तरह से रियाज होगा, ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि ये रियाज होगा, इस तरह से होगा, पर बहुत कम लोग जाते हैं। और फ़र्क उसी चीज़ का पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं। क्या तो हमने जान लिया कि ओम का रियाज करना है, सा का रियाज करना है, सारे गम पधनी सा गाने होते हैं, अलंकार सीखने हैं, राग सीखने हैं, तो सबको पता है, फिर भी उसका असर क्यों नहीं होता? और होता है तो सब पर अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि गाइड, ढंग से गाइड करने वाले लोग हमें नहीं मिलते। हम रियाज तो कर रहे हैं लेकिन गलत ढंग में। अब गलत में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो आ जाता है आवाज़ लगाने का तरीका, फिर आ जाती है सांस लेने का ढंग, फिर समय भी आ जाता है, पिच भी आ जाता है। यानी बहुत सारे सूक्ष्म सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते और हम बस उस मंत्र का उच्चारण करने में लग जाते हैं और यही हम भूल करते हैं। अगर ओम भूर्भुवस्वः इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर हम गलत कर रहे हैं, इसके मीनिंग हमें मालूम नहीं है, इसका असर नहीं होता है। असर मंत्रों में नहीं होता है, असर भाव में होता है। जिस भी मंत्र को आप बोलने जा रहे हैं, ऐसे तो आप जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ऋचाओं का, वेदों की ऋचाओं का जाप कीजिए, रामचरितमानस की चौपाइयों का जाप कीजिए, कुछ असर नहीं होगा अगर उनके मानी, उनकी मीनिंग, उनका भाव, भावार्थ आपको नहीं पता है। और उसको एक वीडियो में समप नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ मैं आपको हमारी एक प्लेलिस्ट का जिक्र करूँगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रियाज कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, रियाज में क्या करना चाहिए, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, यानी परहेज़ क्या रखने चाहिए, उसके बारे में डिटेल में मैंने बात करी है। मुझे मालूम है बहुत कम लोग होंगे जो इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट के पास जाएंगे और एक एक करके वो वीडियो की स्टडी करके इस रियाज को करेंगे। ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि अच्छा मालूम चल गया ना मंत्र, ओम ही तो वो मंत्र है, ओम ही तो वो मंत्र है, आओ शुरू करें। ज़्यादातर लोग यही भूल करेंगे और मैं चाहूँगा कि ये भूल आप न करें। सिर्फ ये रियाज जान लेने से कुछ भी नहीं होगा, मैं तो ये कहूँगा कि उल्टा गलत असर होगा, आपका गला ख़राब होने के चांसेस हैं अगर आप इस मंत्र को बिना समझे जपने लगे तो। मंत्र जपना है लेकिन उसकी भावना, उसका समय, आवाज़ लगाने का ढंग, अब अगर इसी ओम को, इसी सा को आप इस तरह से गाएंगे, ओ, तो ये मंत्र आप पर हानिकारक है। क्योंकि बात मंत्र की नहीं है, बात इसकी है, इस यंत्र की है, है ना, ये यंत्र है ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बात इसकी है कि यहाँ कितना प्रेशर लगाया है। कई बार होता है कि हम गले पे प्रेशर देते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसकी मैं टोन बदल दूँ, अगर मैं ऐसे बात करने लगूँ तो ये मैं यहाँ प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से आप महसूस कर पाएंगे। इसीलिए अब ये देखिए प्रेशर, ये आपको प्रेशर यहाँ मैं बिल्कुल महसूस नहीं होगा, हाँ वाइब्रेशंस होंगे लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको चेस्ट में होंगे, यहाँ लंग्स हैं, डायफ्राम है, यहाँ पर होंगे। तो उसके बारे में मैंने डिटेल उन वीडियोज़ में बात करी है। ये ओमकार का मंत्र आज से नहीं, पिछले 12 वर्षों से जब से हमारा ये चैनल चल रहा है तब से हम लोग बता रहे हैं, है ना, 10-12 वर्षों से जब हमारा ये चैनल है उस पर हम ये लगातार इस मंत्र के बारे में हमने बहुत बात की है। तो आज भी उसी मंत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दिखने में बड़ा सरल है, अ उ ओ ओम, पांच अक्षर, लेकिन इनके उच्चारण का अगर गड़बड़ हो जाए तो सब गलत। जैसे कि ओम, हम ओम बोलना नहीं आता हमें, ओ पर बिंदी लगा दी जाए तो ओम आता है, ओम, ये हम नहीं बोल पाते। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो हम होठों के बनिस्बत दांत मिला लेते हैं, जबकि ये साउंड दांतों से नहीं, मकार का साउंड है तो होठों से आता है, तो सिर्फ हो, ये होठों से साउंड आना चाहिए। पहला अक्षर अ होता है, ज़्यादातर लोग ए बोलते हैं, ए, हमें चाहिए अ, मुंह कितना खोलना चाहिए, है ना, आ, ये भी ना हो जाए, अ, इतना ही रहे, है ना, और वो भी प्रेशर नीचे से आए, हल्का लगेगा शुरू में, है ना, और उसी हल्केपन को हम वजनदार बनाएंगे बाद में जाकर।
तो ये आवाज़ का, लोग कहते हैं ना मेरी आवाज़ मोटी है, मेरी आवाज़ पतली है, वो बात आवाज़ की नहीं है, वो बात प्रेशर की है। आप प्रेशर कहाँ दे रहे हैं? अपनी आवाज़ के पीछे मत भागिए। आवाज़ ईश्वर ने जैसी दी है वो वैसी ही रहेगी ज़्यादातर। हमें अगर काम करना है तो अपनी गायकी पर करना है, और गायकी में इन्हीं चीज़ों पर काम करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ कि स्वर लगाना किस ढंग से है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं सारी चीज़ें समअप कर दूं एक वीडियो में, लेकिन हो नहीं सकती ना। अगर मैंने यही वीडियो लंबा बना दिया तो आप इसको नहीं देखेंगे, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग टॉपिक को लेकर। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर उसे आप जाकर देखते हैं तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि ओम का रियाज, इस मंत्र का रियाज किस तरह से होता है। सांस का खेल है, आप मुंह से सांस लेकर तो गलत है, नाक से सांस लेनी होगी, और नाक से भी सांस ऐसी नहीं, सांस इस तरह से ली जाए। जैसे अभी हाल ही में एक पंडित जी मिले मुझे, तो उन्होंने ये बताया कि जो शास्त्रों में प्रक्रिया है सांस लेने की, वो तो कुछ इस प्रकार है कि हाथ में आप आटा रख लें और फिर सांस लें इस तरह से कि वो आटे का एक भी कण आपके अंदर न जाए, या धूल जो भी है, आटा धूल है ना, ऐसा बारीक पदार्थ जो आपके हाथ में सांस लेते वक्त ना नाक में जाए और ना सांस छोड़ते वक्त एक भी दाना हिले, ये है सांस लेने की प्रक्रिया। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि सांस कैसे लेनी चाहिए आपको। बहुत धीमी धीमी सांस जाएगी, बहुत हल्की हल्की सांस जाएगी, है ना। सांस लेने में आपको इतना वक्त लगना चाहिए, फिर रोकना और फिर छोड़ना, ये बहुत इत्मीनान का काम है, जल्दबाजी या भगदड़ का काम नहीं है। मंत्र तो मैंने बता दिया, अब ये मंत्र किस समय करना है, ये ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सवेरे करना है, सूर्योदय से पहले करना है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पिच क्या होना चाहिए, फीमेल्स का चौथी और पांचवी, और मेल्स का पहली या पहली सफ़ेद, जहाँ से भी आप चाहें, क्योंकि आगे आपको अलंकार भी गाने होंगे, आगे और भी चीज़ें गानी होगी। सिर्फ एक एक्सरसाइज से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। जिस तरह से जिम जाते हैं तो शोल्डर्स की अलग एक्सरसाइज होती है, लेग डे अलग होता है, कार्डियो की अलग एक्सरसाइज होती है, उसी तरह से ओम के अलावा भी कई सारी एक्सरसाइजेज हैं जिन पर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। एडवांस रियाज फॉर सिंगर्स पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो मेरे ख्याल से आज आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ओम का रियाज तो करना है, लेकिन अ उ ओ ओम करके और उच्चारण का ख्याल रखते हुए आपको करना है, और इस ही धीमी गति में पूरी सांस में एक अक्षर, यानी पांच पूर्ण सांसों में ये पांचों अक्षर, और फिर इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी, कैसे होगी वो भी देख लीजिए। एक ही सांस में ये पांचों आएंगे तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल आएगा। अभी तक हम सा पर सा बोलते आए हैं। अगर मैं कह दूं इस तरह से गाने को, सारे गमा पधानी सा, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक ही स्वर पर सात अक्षर बोलना, वो भी अलग अलग। हम तो सारे गमा पधानी सा क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक गाना आता है हमें, लेकिन ऐसा करना नहीं है यहाँ पर। यहाँ जो अ उ ओम है वो एक ही स्वर पर है, तो वो कितनी भी तेजी बढ़ जाए उसका स्वर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मेरा स्वर एक ही था, अक्षर पांच थे। यानी कितना सधी हुई सांस चाहिए, कितना सधा हुआ प्रेशर चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रेशर नहीं बदला नहीं कि स्वर बदल जाता है। कैसे? ये चढ़ गया स्वर। हमें ये नहीं करना है, कितनी भी गति बढ़ जाए। एक ही जैसा, और इसमें दम भी बनाए रखना है। जैसे कि मैंने स्वर लगाने की तीन स्टेजेस बताई हुई हैं, एक वीडियो में डिटेल समझाया है कि स्वर सटीक लगे, सटीक टिके और उसी पे छूटे, यानी ऐसे नहीं, या ऐसे नहीं, सीधा और इसे क्या करना होगा, अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना होगा कि क्या वो स्ट्रेट लग रहा है, और फिर वो कंपन ना हो। इसके लिए आपको शरीर साधना पड़ेगा सबसे पहले, मंत्र है ना, तो योगियों की तरह बैठना पड़ जाता है इसको साधने के लिए। ये टाइम पास चलते फिरते घूमते घामते करने वाली चीज़ नहीं है, है ना, ये मंत्र है। एक जगह बैठना होगा, स्थाई, स्थिर, एक जैसा,
है ना, एक ही जगह बैठकर, और वो भी बिना हिले। तब जाके मूर्ति बनने का अभ्यास कराया करते थे हमारे पिताजी हमें बचपन में, कि देखते हैं कौन मूर्ति बन सकता है, बुत बन सकता है, स्टैच्यू। और स्टैच्यू बन के ध्वनि पे कंट्रोल, सांस पे कंट्रोल, और सीधा सीधा आए, है ना। अब यही ओम धीरे धीरे, यही अ उ ओम का जो चक्र है, ये गति बढ़ती जाएगी और ओम की तरफ जाएगा। आखिर में वो बात आपको बता रहा हूँ मैं कैसे। सबसे पहले तो एक ही सांस में आपने एक एक अक्षर बोला। सेकेंड स्टेप है, एक ही सांस में पांचों अक्षर आ जाएंगे, जो मैंने अभी करके दिखाया। अब इसमें गति बढ़ाएंगे, ख्याल ये रखना है सांस टूटते ही जैसे ही अगला स्वर आता है तो प्रेशर ज्यादा, ऐसा नहीं कि ये स्वर चढ़ जाएगा, ये ना हो, उसी पर रहे। अब ये गति बढ़ते बढ़ते ओम ओम ओम, कोशिश करनी है कि जहाँ तक आप ओम मैक्सिमम इस ही सफाई के साथ इन पांचों अक्षरों को बोल पाएं, वहाँ तक तो बोलना है। और जैसे ही ये सफाई खोती है तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ओम ओम, वो जो ओ और ओ था वो एक ही हो जाएगा, ओम 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 ओम, है ना, स्वर एक ही रहेगा। उसके बाद ओम 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 ओम, एक साथ आ गया ओम, एक साथ आ गया। पहले जो पांच अलग अलग थे, अब दो की जोड़ियां हैं, औ ओम। फिर यही बढ़ते बढ़ते ओम की तरफ जाएगा, ओम 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 ओम। और यही ओम की तरफ। समय अवधि बता देता हूँ, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा इसको करना है, जिसमें से 15 मिनट तो आपका एक सांस एक अक्षर ही चलाइए आराम से, ताकि गला आराम से गर्म हो जाए आपका। उसके बाद ये होगा कि आप एक सांस में उसको जोड़ लेंगे, 5-5 मिनट करके आगे बढ़ा दीजिए फिर, है ना, कि एक बार जल्दी जल्दी एक सांस में ले लिया, फिर थोड़ी देर उसको किया 2-4 मिनट, फिर और बढ़ा ली सांस। इससे सांस में भी वृद्धि होती है, है ना, क्योंकि आपके एक ही सांस में पांचों अक्षर आ रहे हैं तो सांस में वृद्धि होती है, सांस में बढ़त होती है, ठीक है। फिर ये करते 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 एक ही सांस में पांचों अक्षर बार बार आने लगेंगे, पहले 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 4 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, 6 बार आएंगे। अब सांस तो एकदम से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन गति आप देख रहे हैं, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, कि पहले उसको जब 5 अक्षर एक ही सांस में लिए, डिवाइड करना होगा आपको कि कितने सांस, कितनी सेकंड की सांस में एक अक्षर जाएगा, वो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ इतनी सांस में एक अक्षर आ रहा है। उसके बाद यही बढ़ाते बढ़ाते आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे, इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते, और ओम की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वो मंत्र है, ये आपका वो रियाज है, जिसको करने से स्वर सधेगा, सच्चा बनेगा। शुक्रिया, आपने ये पूरा वीडियो देखा, पूरा धैर्य से सुना मेरे इस बताए गए मंत्र को। ये मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी से मैंने सीखा है, और ये सहज योग में पाया जाने वाला मंत्र है। माँ निर्मला देवी जी, माता जी, उनसे ही, उनके शिविर में ही मेरे पिताजी ने ये चीज़ सीखी, और फिर इसे संगीत से जोड़कर पूरे विश्व के लिए बांट दिया, ठीक है। शुक्रिया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। शास्त्रीय संगीत की कुछ ऐसी बातें हम लोग बता रहे हैं जो शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सच्ची है, ठीक है। शुक्रिया।